टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 10,000 रुपीज। सो हे दोस्तों, क्या आपका भी बजट लगभग 10 से 11,000 रुपए का है और आप इस बजट के अंदर अपने लिए एक परफेक्ट फोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको अच्छे और तगड़े कैमरास मिले, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले हो, मल्टीमीडिया स्पीकर्स हो, साथ ही साथ लंबी चलने वाली बैटरी और गेमिंग के लिए एक अच्छा खासा प्रोसेसर हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे ही 5 तगड़े स्मार्टफोन। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे फोन की दोस्तों, जहां पर आपको एमोलेड की पैनल भी मिल जाएगी, अच्छे कैमरास और अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये फोन यहां पर इन्फिनिक्स का Note 12i। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है और दोस्तों अच्छी बात यह है कि सिर्फ 7.8 mm की थिकनेस और 188 grams के साथ में आता है, यानी कि काफी लाइट वेट और काफी स्लीम फोन है। वैसे इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.7 inches की फुल HD+ वाली एमोलेड पैनल लगी हुई है, 1000 nits की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और 60Hz की रिफ्रेश रेट, साथ ही 180Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं, मेन कैमरा लगा 50 MP का, साथ ही में 2 MP का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी स्नैपर। दोस्तों, इस फोन का जो बैक कैमरा, यहाँ पर आपको काफी कलरफुल इमेजेस वगैरह देखने को मिलती है, HDR वगैरह भी काफी अच्छा काम करता है, तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी में तो कोई शिकायत नहीं आती। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर 12 nm बेस MediaTek का हीलियो G85 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा चिपसेट है और ये फोन लगभग 2 लाख के आसपास ऑनदोतो पर स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती। वैसा फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UMMC 5.1 का स्टोरेज भी आपको दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन 0 से लेकर 100% सिर्फ 90 मिनट के अंदर चार्ज होता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, TDS सराउंड साउंड के साथ में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, सो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सो बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर पैकेज है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB की रैम प्लस 3GB की वर्चुअल रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में आपको देने होंगे 9,999 रुपये। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के अगले फ़ोन की। और दोस्तों, यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G14। बात करें इस फ़ोन की तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैक के साथ में ही मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 8 mm की थिकनेस और 177 ग्राम्स के साथ में आता है। सो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि IP52 रेटिंग के साथ में स्मार्टफोन आता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की यहाँ पर अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.5 inches की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, यहाँ पर 600 nits तक की ब्राइटनेस मिल जाती है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और 60Hz की रिफ्रेश रेट, साथ ही 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है, पंच होल के साथ में आती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा लगा हुआ है 50 MP का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 MP का मैक्रो और 8 MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। और रही बात आउटपुट की तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 nm बेस यूनिसॉक का T616 का चिपसेट। हालांकि बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेली टास्क वगैरह में कोई शिकायत नहीं देता है, आप यहाँ पर इजीली मल्टीटास्क वगैरह भी कर सकते हैं। रही बात अंतुतु स्कोर की तो लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पर आपको अंतुतु स्कोर भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 15W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर एक मीडियम यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी बहुत आराम से मिल जाता है। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है। इसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की।
तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया और भाई ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत ही कमाल की है। वहीं पर कार्ड ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया, यानी आप एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 बेस्ड मोटोरोला की कस्टम स्किन MIUI का सपोर्ट। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, तो ये अच्छी बात है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी फोन का काफी अच्छा है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सो गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च किया गया है 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में 9,999 रुपये की कीमत पर। सो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस बजट के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं Realme का C53। दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहां पर काफी कमाल के हैं। वैसे आपको बता दूं कि फोन सिर्फ और सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस और 186 grams के साथ में आता है। सो ओवरऑल फोन काफी लाइटवेट और काफी स्लिम भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.74 इंचेस की एक बड़ी सी HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर 560 nits की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। और रही बात गेमिंग की, तो 90Hz तक की रिफ्रेश रेट और 180Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन हाइलाइटेड फीचर्स यानी फोन के कैमरास की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको सैमसंग का S5 के HM6 वाला ISO सेल का सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10x की डिजिटल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और रही बात सेकेंडरी लेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का छोटू सेंसर दिया गया है। इमेज आउटपुट की बात करें तो आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर भले ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जो आउटपुट है वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट ही मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30fps। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लैश का सपोर्ट भी मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको डिसेंट टाइप के आउटपुट मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर HD+ की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30fps। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक का T612 का चिपसेट, जो कि 12nm पर बेस्ड है, लेकिन आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है, तो डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। सो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक 2TB तक का मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर वाला फोन लेना चाहते थे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, आपको मिल रहा है 4 और 64 के लिए सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये की प्राइस पर। और आपको अगर इस बजट के अंदर एक नॉन चाइनीज फोन लेना है, साथ ही अच्छे कैमराज और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F13 4G। वो पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल, जो कि दोस्तों TFT से थोड़ी सी बेटर होती है। साथ ही आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 500 nits की ब्राइटनेस दी गई है, 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और सेल्फी के लिए आपको मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेंसर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है और आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और रही बात आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30fps, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर सैमसंग का Exynos 850 का चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट 8nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है,
लेकिन आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं करा पाता, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 1.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, यानी कि डिसेंट फोन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल टास्क वगैरह के लिए फोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंट मिलेगी। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है, जहां पर 15 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो यहां पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत जल्द आपको यहां पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। सो फोन डिसेंट है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे लगभग 9500 रुपये। वैसे आपको यहाँ पर 4GB की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि 8GB तक की आपको यहाँ पर रैम का सपोर्ट मिल जाएगा। लिस्ट के अगले फोन की तो ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, और दोस्तों ये फोन है आप पोको का M6 Pro 5G। करें इस फोन की तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। बात करें फोन की डिस्प्ले की तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 550 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 2 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आउटपुट की तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30fps। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छी और लंबी बैटरी बैकअप निकाल कर देता है, साथ ही साथ फोन की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की है। ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4,37,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर एड्रेनो 613 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। बात कर ले अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, जहाँ पर आप एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर। रही बात 5G बैंड्स की तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में भी आता है, सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट लगभग 10,000 से 11,000 रुपये है, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। हालांकि 1,000 रुपये महंगा है, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते तो ये फोन भी 10,000 रुपीज की प्राइस पर आपको इजिली मिल जाएगा। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। सभी के लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।